फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल और कैसे हैं आप सब होप आप लोग अच्छे ही होंगे आज है संडे अभी टाइम हो रहा है दोपहर तो का अभी बज रहे हैं दो तो और मैं जो है फ्री होकर बैठी हूँ अभी कुछ भी काम नहीं है सारा जो काम है मैंने निपटा लिया है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ कि मेरे हस्बैंड ने मुझे क्या गिफ्ट दिया है मैं वैसे भी मैं आपके साथ शेयर करती ही लेकिन फिर भी कमेंट भी आ रहे थे कि उन्होंने आपको क्या दिया है जरूर बताइएगा तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि उन्होंने मुझे क्या दिया है ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट आप लोग गेस्ट कीजिए कि इसमें क्या हो सकता है ओपन करते हैं आती हूँ क्या है इसमें ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट आप देख सकते हैं ये मैंने लिया है पेंडल और ये है डी वेट का बिकॉज मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश है तो मैंने उन्हीं के नाम से ये लिया है मेरा काफी दिन से मन था कि मुझे ये पेंडल लेना है ओपन करके दिखाती हूँ ये आप देख सकते हैं और ये मैंने अपनी चॉइस से लिया है बिकॉज मेरा काफी मन था कि मुझे जो है टी अल्फ़ाबेट का पेंडल लेना है लेकिन मैंने लिया नहीं था मैं सोच रही थी कि ले लूंगी ले लूंगी इनकी आदत है कि अगर मुझे ये गिफ्ट दिलाते हैं तो साथ में ही लेकर जाते हैं बिकॉज मुझे जो भी लेना हो अपनी चॉइस का मैं ले लूँ तो इसीलिए ये मुझे लेकर गए थे और ये मैंने लिया है अपनी चॉइस से क्योंकि मुझे ये लेना ही था ये लिया है ये मेरे लिए काफी स्पेशल है तो इसको मैं बैक कैम से दिखा देती हूँ आपको क्लियर आपको दिख जाएगा ये है पैंडल मैं आपको पास से दिखा रही हूँ और इसमें जो है इस तरह से कटिंग वगैरह दी हुई है कटिंग से इसका डिजाइन बना हुआ है और ये मैं आपको दिखा रही हूँ फ्लैश ऑन करके तो आप देख सकते हैं इसकी कटिंग की वजह से काफ़ी शाइनिंग है इसमें जो कटिंग दी हुई है वो काफ़ी अच्छी लग रही है और बस ये जो है डिजाइन बना हुआ है और जब भी मैं इसको चेन में पहनूंगी, चेन में ही पहनूंगी इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी और ये काफ़ी अच्छा लगेगा बिकॉज़ मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया था तो यही गोल्ड का पैंडल उन्होंने मुझे दिलाया था तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा ये गिफ्ट कैसा लगा कल ही वो मुझे दिन में लेकर गए थे बिकॉज कल उन्होंने हॉलीडे लिया था सिर्फ मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। उन्होंने पूरा दिन जो है मेरे साथ स्पेंड किया जब हमारा कुछ स्पेशल डे होता है और हमें कोई और भी स्पेशल फील कराता है ना तो बहुत अच्छा लगता है तो बस वो कल पूरे टाइम मेरे साथ रहे और दिन में मुझे लेकर गए थे शॉपिंग कराने के लिए तो आप लोग बताइएगा कि आपको मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन वाला ब्लॉग कैसा लगा और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार और इतना सपोर्ट दिया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कल भी मैंने आप लोगों को बहुत थैंक यू बोला था और आज भी यही बोलती हूँ बिकॉज कल मैंने जो वीडियो अपलोड की थी उस पर भी मुझे काफी जो है आपकी ब्लेसिंग विशेष मिली थी क्योंकि आज के टाइम में इतना तो अपने भी हमारे लिए इतना जो है ना दुआ नहीं करते जितना आप सब ने मेरे लिए की है so, उसके लिए बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार आप सभी को और मेरी सिस्टर ने निक्कू टिक्कू ने भी मुझे विश किया है वैसे तो उन्होंने जो है वीडियो कॉलिंग पर मुझसे बात की थी लेकिन वीडियो के थ्रू भी मेरे प्यारे निक्कू टिक्कू ने मुझे विश किया है एंड मेरी लवली सिस्टर ने सो थैंक यू सो मच दी एंड माय क्यूटिस निक्कू टिक्कू की मासी की तरफ से आपको बहुत सारा प्यार बस यही मुझे आप लोगों को दिखाना था आपके साथ शेयर करना था और मेरे एक दो सब्सक्राइबर हैं जिनको मैं विश करना चाहूँगी वैसे ये जो सब्सक्राइबर हैं आज है एट दिसंबर और इनकी एनिवर्सरी भी आज ही एट दिसंबर को है वैसे मैं इनको कल विश कर सकती थी मिन सेवन दिसंबर को तो लेकिन इन्होंने मुझे जो है काफ़ी लेट कमेंट किया जब मेरी वीडियो जो है मेरा बर्थडे ब्लॉग ऑलरेडी शूट हो चुका था तब इन्होंने मुझे कमेंट किया तो so, मैं चाह कर भी उस वीडियो में आपको विश नहीं कर पाई तो चलिए आज एट दिसंबर ही है मैं आपको अभी विश कर देती हूँ सो so, इनका नाम है माही मिस्ट्री इश्यू हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी वो यू और आपका प्यार और साथ हमेशा बना रहे एक और सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है जनाल्वा राजपूत इनकी एनिवर्सरी सेवन दिसंबर को थी लेकिन उन्होंने मुझे कल बताया था तो so, इनको ही मैं विश करना चाहूंगी Related, happy anniversary, both of you, और आप दोनों का प्यार और साथ हमेशा बना रहे तो बस इनको ही मुझे विश करना था चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में मुझे करना है लंच आज मैंने बनाई थी आलू सेम की सब्जी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ हम लोगों के साथ इसलिए मैंने शेयर नहीं की तो वही मुझे खाना है बस दो चपाती खानी है मैंने बना कर रख दी थी जब हस्बैंड का लंच बनाया था पैक करने के लिए तभी साथ में मैंने अपने लिए भी तो रोटी बना कर रख दी थी तो उसको मैं गर्म कर लूँगी और खा और यहाँ पर ये बड़ा कंटेनर है इसको भी मैंने साफ़ करके रख दिया है क्योंकि इसमें भरना है आटा मेरे हस्बैंड जो है आज गेहूँ को पिसवा कर लेकर आए थे आटा मीन्स थोड़ा ही बचा हुआ था एक दो दिन के लिए तो वो पहले से ही लेकर आए हैं और उसको मैंने जो पहले था उसको निकाल कर रख दिया है इसमें न्यू भर दूँगी और वो वाला जो है आज या कल में ख़त्म ही हो जाएगा तो इसको उसको मैं... मैंने साफ़ कर दिया था और लंच करने के बाद इसमें मैं भर दूंगी तो यहाँ पर ये रखा हुआ है ये रखा हुआ है आटा जो कि वो पिसवा कर लाए हैं चलिए पहले मैं लंच कर लेती हूँ और फिर ये सब काम करूँगी पर मैं निकाल लाई हूँ अपने लिए खाना मैंने प्लेट लगा ली है ये सब्जी है थोड़ा सा नमकीन लिया है और बस ये चपाती है तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ लिया है खाना और पीछे आप सोच रहे होंगे कि इस रूम में अंधेरा क्यों है बिकॉज बालकनी का गेट यहीं पर दिया हुआ है तो अभी ना काफ़ी ठंडक हो गई है तो मैं गेट को बंद करके रखती हूँ सारे जो खिड़की गेट है ना सबको बंद करके रखती हूँ और देख ही रहे हैं कि जैकेट भी पहने हुए हूँ तो अब तो स्वेटर जैकेट पहन के ही रहना होता है स्लीपर भी पहन लेती हूँ क्योंकि टाइल्स जो है ना ठंडी लगती हैं तो अब मैं स्लीपर पहन के रहती हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि क्या किया जाए तो मलाई भी जो है काफ़ी हो गई है जिस बाउल में मैं मलाई रखती हूँ ना तो पूरा भर गया है। और, है और मैंने एक और छोटी बाउल निकाली थी क्योंकि उसमें नहीं आ रही थी तो मैं उसमें रख रही थी तो वो ही पूरी भर गई है तो अब मैंने सोचा कि चलो घी बना लेती हूँ बिकॉज निकालना तो है ही और आज करना है कल करना है करना तो पड़ेगा ही और वैसे भी अब जो है उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है मलाई के लिए तो फिर तीसरा बाउल रखना पड़ेगा या फिर जो छोटा बाउल है उसको बड़े बाउल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगी उसकी मलाई तो मैं सोच रही हूँ कि चलो निकाल ही लेते हैं वैसे भी ज़्यादा टाइम की मलाई मैं नहीं रखती हूँ आठ दिन के अंदर जो मलाई हो जाती है मैं उसका घी बना लेती हूँ तो चलिए ये सब काम जो है मैं निपटा लेती हूँ उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ यहाँ पर जो कंटेनर है वो मैंने रख लिया है तो मैंने अच्छे से देख लिया था कि ये सूख गया है या नहीं क्योंकि आटा भरना होता है तो थोड़ा सा भी इसमें पानी ना हो तो बस ये अच्छे से सूख चुका था अब मैंने इसमें जो आटा है वो मैं भर रही हूँ तो उसके लिए एक प्लेट ली है मैंने प्लेट से यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा जो है इसमें डालती जा रही हूँ बिकॉज़ पूरा एक साथ जो है डालना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए तो मैं प्लेट से ही इसको भर लूँगी अब यहाँ पर जो मलाई है उसका मैं बनाने वाली हूँ घी तो मैं मक्खन बनाऊँगी पहले तो उसी के लिए मैंने ये बड़ा जार लिया है जिसमें मैं, मैं लस्सी वगैरह बनाती हूँ तो मलाई ऐड कर लूँगी और अभी जो है सर्दी का मौसम है तो ये बाउल आप देख सकते हैं पूरा भर चुका है और ये आठ से दस दिन की मलाई है तो इसका भी जो है आधी मलाई मैं इसमें ऐड कर लूँगी बिकॉज़ पूरी जो है एक साथ इसका मक्खन नहीं बन पाएगा और अभी क्या है कि सर्दी का मौसम है तो थोड़ा गर्म पानी ऐड करना होता है और गर्मियों में जो है ठंडा पानी डालना होता है तो यहाँ पर मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया है और बस इसको चला लूँगी आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ कि किस तरह से मैं मलाई से मक्खन बनाती हूँ और फिर उसका घी बनाती हूँ तो इसीलिए पूरी जो प्रोसेस है वो मैं नहीं दिखा रही हूँ तो मैंने इसको रख दिया है जार को चला दिया है मिक्सर जार को ऑन कर दिया है और ये जो बास्केट में बर्तन रखे हुए थे तो इनको भी मैं हाथों हाथ जो है लगाती जा रही हूँ उनकी जगह पर और बस ये जो मक्खन बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर ले रही हूँ और आपको दिखा देती हूँ तो ये मक्खन जो है अच्छे से बन चुका है बस इसको मैं निकाल लूँगी और कढ़ाई में डाल दूँगी तो घी जो है बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घी जो है बनकर तैयार हो चुका है और ये 300 ग्राम घी आराम से होगा ये 250 ग्राम से ज़्यादा घी निकला था बिकॉज़ ये मेरा जो कंटेनर है ये हाफ़ के जी से प्लस कंटेनर है तो आप क्वांटिटी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में जो है इस तरह से मैं घी बनाती हूँ तो निकल आता है अगर आप पूरी प्रोसेस देखना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैंने पहले जो है अपलोड की हुई है कि किस तरह से मैं घी बनाती हूँ तो आप चेक कर सकते हैं अभी मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने के लिए क्योंकि सर्दी काफ़ी है तो अदरक की चाय अच्छा लगता है पीना वैसे तो, मॉर्निंग में भी हमने नहीं पी थी तो बस मैं अपने लिए ही बनाऊँगी बिकॉज़ तो अभी हस्बैंड नहीं आए हैं तो चलिए मैं बना लेती हूँ चाय यहाँ पर चाय के लिए मैंने रख दिया है पानी इसमें चीनी चाय पत्ती ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं डाल दूंगी अदरक भी सो आप लोग भी बना लीजिए मेरे साथ इवनिंग की चाय और आज के अपने इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ तब तक बाय टेक केयर Thanks for watching!